ઇસ્તા હોય કરે લે વાળો દેખે જાય મુ જીજા જી કા મુ જીજા જી કા મુ ના જીજા જી કા મુ હે કે મમ્મી સહી હે કે ના ભાઈ બિહાર સે આયો હે તો બિહારી હે તો અમારે ઇનકે ભૈયા હુએ ના અરે આપકે સાલે હા હમારે સાલે હે ઠીક હે ચલે અરે આપ જીજા ના नमस्कार, मैं हूं गायक मनोहर सिंह और एक छोटा सा ब्लॉग दिखा रहा हूं। बड़ा आनंद आएगा ये ब्लॉग देख के आप सभी को। हमारे खेत में हो रही रोपनी वो बिहार से आए हुए मजदूर के द्वारा हो रही है, तो आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है, आइए हमारे साथ। ये ट्यूबवेल से पानी आ रहा है जिस नारी में चल रहा हूँ, और देखिए ना, जैसे घर में चूहा परेशान करते हैं वैसे खेत में भी चूहा महाराज हैं, और ये फसलों को काटते हैं, मेढ़ को काट देते हैं। जैसे देखे अंदर घुस गए, अब यहाँ हो रही है रोटावेटर से खेत की तैयारी। और जिस खेत में रोटावेटर चल रहा है, इस खेत में था ढैंचा जो खाद का काम करता है। ये हरा फसल होता है जिसको काटा जाता है रोटावेटर से और पानी में सड़ जाता है, जिसके वजह से खेतों में उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। देखिए ये प्रक्रिया इधर जुताई की हो रही है और इस साइड बीज उखाड़ रहे हैं लोग, इसके बाद रोपनी होगी। सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो बिया उफारने वाला काम देखिए शुरू है यहाँ पर। वाह, ये धान का बीज है जिसमें पानी भर के ये लोग उखाड़ रहे हैं ताकि जड़ का जो मिट्टी है वो छूट जाए और बीज एकदम साफ हो जाए। देखिए यहाँ पर ये नीचे का मिट्टी साफ कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, मिट्टी साफ, जड़ का मिट्टी। हाँ, तभी ना ये पूरा साफ होता है। हाँ, और रोपने में आराम रहेगा। आराम। ये देखिए इसको, ये क्या बांध रहे हैं? बिया बांध रहे हैं। बिया ना, जैसे क्या बोला जाता है, पोटली का कह जलाएगी, आटी। हाँ, आटी बांध रहे हैं। वाह, अभी खेत में ले जाने में आराम रहेगा। इन लोग को काम करते हुए देखकर मुझे नहीं रहा गया, क्योंकि मैं पास में था और मैं भी सोचा कि थोड़ा सा इन लोग के साथ मैं भी धान का बीज उखाड़ता हूँ, इसलिए मैं भी देखिए खेत में उतर गया हूँ। सिर्फ वीडियो बनाने और आपको दिखाने के लिए ही मैं धान का बीज नहीं उखाड़ रहा हूँ, मैं घर के कामों में हाथ बटाता रहता हूँ, जहाँ मेरी जरूरत होती है वहाँ। कुछ काम करो नहीं सो। जब तक इधर बीज उखड़ता है तब तक उधर खेत भी तैयार हो जाता है पानी भर के खेत में, और ट्रैक्टर तब तक खेत बना दिया रहता है। आइए खेत की तरफ चलते हैं जहाँ ट्रैक्टर चल रहा है। ये बीज ट्रैक्टर पर लाद कर देखिए दूसरे खेत में जा रहा है, जो दूर खेत है थोड़ा। अब चलते हैं जहां रोपनी हो रही है वहां पर, आइए। तो लीजिए, फाइनली रोपनी हमारे खेत में हो चुकी है शुरू, और सभी मजदूर आ चुके हैं खेत में, और कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी एक एक दाना बीज लगाया जा रहा है, और यही बीज कुछ दिन में एक की जगह और बियाज करेंगे और मोटे हो जाएंगे, और 25, 30, 40, 50, 60 की संख्या में हो जाएंगे एक एक दाना बीज। ये दूरी सही है, इतना ही दूरी रोपना है, क्योंकि यहाँ ब्याज बहुत कम होती है ना, वहाँ ब्याज ठीक होती है, ये सही दूरी है। कौन आया ठाकुर जी? आपके भैया आए हुए हैं। मेरे भैया? यस। मेरे कौन से भैया हैं? भैया मतलब कि, बैठिए पहले, बैठिए बताते हैं, बैठिए बैठिए, सिट डाउन, भैया मतलब जानते हैं कौन? कौन दीजिए मोबाइल। मतलब कि बिहारी रोपने वाले मजदूर आए हुए हैं, तो बिहार से हैं तो मेरे वो, तो बिहार से है तो मेरे भैया हो गए। हाँ, बिहार से आए हैं तो वो आपके भैया हैं, तो आपके सारे हो गए फिर। आप जीजा जी हो गए तो बोले मम्मी जी हम आ गए आपके खेत में रोपने। नहीं नहीं, वो आपके भैया आए तो जाहिर सी बात है हमारे भाई सार्थ लगभग करेंगे। तब साले साहब लोगों का खातिरदारी कर रहे हैं? करेंगे करेंगे। कलेंगे मतलब कि भैया के लिए इतना ध्यान रखेंगे आप? हाँ।
मेहमान भगवान के समान होते हैं, चाहे वो मजदूर के रूप में हो या फिर किसी भी रूप में। वाह, ये तो बहुत अच्छा। इतना सारा ऐसा बना रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, उनके लिए चाय भी बन रहा है। तो आपके भैया लोग आ गए हैं बाहर, चाय उनको चाहिए। हाँ, चाय बन रहे। हम खूब चिढ़ा रहे अलका को। चिढ़ाने वाली कौन सी बात है, सही बात, एक राज्य के तो एक भाई भाई। हाँ तो लीजिए अलका के भैया, आइए, आप लोग का वेलकम है। यहाँ सभी मजदूरों को मैं खाना खिला रहा हूँ, मैं और मम्मी। अलका खाना दे रही हैं अंदर से। तो ठाकुर जी अभी खिला रहे हैं, देखिए कैसे दोनों लोग खिला रहे होंगे, ठाकुर जी दोनों लोग गए हुए। सार आपके हैं, मेरे तो भैया हैं। अच्छा, अरे मेरे तो भैया हैं। आपके सारे हुए ना? हमारे सारे सब खा रहे हैं बहुत तेज। आप तो खिला भी रहे हैं अच्छे से। क्यों नहीं खिलाएंगे, हमारे सार हमको लाए नौ रुपए रोपनी करे। ओ मैं तो सोच रहा हूँ आपको भी ले जाकर रोपनी करवाओ। चलिए हम भी सार, ठीक है चलिए हम भी चलते हैं। धोती पहन। इस धान के बीज की हरियाली देखकर किसी का भी मन लुभा जाएगा। वाओ। खाना खाने के बाद सभी लोग फिर से काम पर आ गए हैं और पापा खेती निगरानी कर रहे हैं। खेत तैयार हो गया पापा तुम्हारा? अब खेती है तो परी हो गया, खेती हो गया ना, रोपाई हो गया। तो इस तरह हमारे खेत में इस बार रोपनी हो रही है। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो ब्लॉग है, जो मैं वीडियो बनाया हूँ, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ब्लॉग के माध्यम से आप लोग ज़रूर इंजॉय किए होंगे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ भी कमेंट करके बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।